नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ पीएफ से रिलेटेड एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हैं, दोस्तों मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ अपनी पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा आप कैसे निकाल सकते हैं या फिर अपने पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। खासतौर यहाँ पर मैं पेंशन वालों को बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली कंपनी में काम किया और मैं अपनी पिछली कंपनी का पीएफ का पैसा पेंशन का पैसा निकालना चाहता हूँ तो वो नहीं निकल रहा है, उन्हीं के रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैं खासतौर उन लोगों के बात कर रहा हूँ जो अपने पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं, अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, वो भी पिछली कंपनी का। तो मैं आपको इसमें पूरा कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूं। और यदि आपका पीएफ का पैसा नहीं निकल रहा है और आपका पेंशन का पैसा नहीं निकल रहा है पिछली कंपनी का, तो मैं आपको यही बताने वाला कैसे आप निकाल सकते हैं। आपको ये भी मैं आपको जानकारी देने वाला अपनी पिछली कंपनी का पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। सो यदि आपको भी जनता हम वीडियो के साथ सुस लेकर तक बने रहेगा तो चलिए आज की जो कमाल की बिना देर के शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू से मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको हमारी ये वीडियो पसंद है वीडियो की जोर से एक लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार के पीएफ से रिलेटेड सभी वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आपको पीएफ से रिलेटेड जो भी करो आपसे समझे तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो जाएगा, आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपसे कोई फी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको समाधान दिया जाएगा। तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दे चुका हूँ, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे जो भी दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम मैसेज करके अपना जो भी क्वेरी आप हमसे बता सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले अपने मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि अपने पीएफ का पेंशन का पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हैं, वो भी पिछली कंपनी का। तो सो यदि आपको भी वीडियो के साथ सुस लेकर तक बने रहेगा, मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस यहाँ पर आपको करके दिखाने वाला क्या प्रोसेस होता है और कैसे मैं अपनी पिछली कंपनी का पैसा कैसे निकाल सकता हूँ, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेंबर होम के ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपका यूएन नंबर है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है एंड नीचे आपको जो भी पासवर्ड सो है यहाँ पर इंटर कर देना है। नीचे आपको कैप्चा सोरे इसको यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल कर देना है एंड नीचे आपको साइन इन पर क्लिक कर देना। चलिए हम ये प्रोसेस कर लेते हैं यहाँ पर, सिंपल ये प्रोसेस यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर चले ये सब फिल करने के बाद यहाँ पर जो भी कैप्चा सोरे यहाँ पर फिल करते हैं एंड नीचे आपको साइन इन पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर आप साइन पर क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर अपने ओटीपी को इंटर कर देना। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे आपको कैप्चा सो रहा है आपको नीचे कैप्चा को आपको इंटर कर देना एंड सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर। जैसे कि मैं यहाँ पर ओटीपी इंटर करता हूँ, नीचे आपको जो भी कैप्चा ऊपर सो रहा है ये वाला कैप्चा आपको सेम टू सेम यहाँ पर आपको फिल कर देना। ये फिल करने के बाद नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर लोडिंग होगा, उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर यूएन का प्रोफाइल खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको कट कर देना। जैसे आप कट करते हैं सिंपल आपको लेटर पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आपका प्रोफाइल सर्विस पर खुलकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ एंड यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। सिंपली आपको व्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना। जैसे कि मैं आपको अपनी सर्विस दिखाता हूँ, सर्विस हिस्ट्री पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों जितनी भी आपकी सर्विस रहेंगे यहाँ पर शो हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सर्विस दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर टोटली मेरे पास दो सर्विस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर सर्विस नंबर वन और यहाँ पर सर्विस नंबर दो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों यहाँ पर करंट वाली सबसे पहले यानी कि जो पहले नंबर वाली करंट वाली सर्विस है और सेकंड नंबर जो कि यहाँ पर मेरी पिछली वाली कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कि यहाँ पर ईपीएफओ का है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस का है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों कंपनी के डेट ऑफ ज्वाइनिंग और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ईपीएस का भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोनों कंपनी के डेट ऑफ एग्जिट भी यहाँ पर आप सेम टू सेम आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई जाएगा। जैसे कि आपको साइड में यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर दूसरी कंपनी पहली वाली कंपनी का एंड यहाँ पर दोनों कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर प्रोसेस करना है कि दोनों कंपनी से मैंने रिजाइन कर दिया, यहाँ पर एग्जिट हो चुका है। एग्जिट यदि आपने नहीं हुआ तो यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखे थे। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको कट करते हैं। यहाँ पर ये आपको ऑनलाइन से क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको ट्रैक स्टेटस सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ट्रैक स्टेटस क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी सर्विस है यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर टोटली जितनी आपकी आपने स्टेटस यहाँ पर सबमिट किया है, यहाँ पर आपने क्लेम दर्ज किया है यहाँ पर फॉर्म के लिए, तो सब कुछ यहाँ पर स्टेटस शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टोटली आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फ्रॉम 10 से मैंने अभी जस्ट यानी कि अप्लाई किया था, जैसे कि यहाँ पर 5 जुलाई को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम 10 से और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइम रिजेक्टेड नॉट एलिजिबल ड्यू टू सर्विस लेस देन यानी कि 180 डेज, यानी कि जो भी आपकी सर्विस है 180 दिन की कमी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे फ्रॉम 10 से भी रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ पर एक बार फ्रॉम 90 यहाँ पर जैसे सेटल हुआ है और दूसरी बार भी सेटल हो चुका है और तीसरी बार जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर फ्रॉम 31 है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है। जैसे यहाँ पर ये भी क्लेम सेटल हो चुका है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर 10 से यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रॉम 10 से क्यों बार बार रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेम सेटल नॉट ड्यू यहाँ पर दिखा जाए 180 डेज, यानी जिनकी टोटल यहाँ पर सर्विस पूरी साल 4 साल की है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो कि करंट वाली सर्विस में यहाँ पर 1 साल की है। तो क्यों यहाँ पर इनका जो भी यहाँ पर क्लेम सेटल नहीं होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको पासबुक पर आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पर क्लेम
रजिस्टर में क्लिक करता हूँ, जैसे कि एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म टेंसी अप्लाई करके एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। सर्विस डिटेल्स पर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपसे मेंबर आईडी नंबर यहाँ पर शो हो जाए जो कि करंट वाली शो रही है। यहाँ पर आप देख इनके पूरे डिटेल्स यहाँ पर शो रहे और मेंबर आईडी का यहाँ पर 3 का लास्ट यहाँ पर रजिस्टर में आपको दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2022 है और 30 सितंबर 2022 डेट ऑफ एग्जिट है। टोटल यहाँ पर 1 महीने की इनके यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक बार ऑनलाइन क्लेम करके दिखाता हूँ, जैसे मैं अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पर एंटर करता हूँ एंड यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करके मैं अपने अकाउंट नंबर को वेरीफाई करता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपना एक फॉर्म टेंसी जो है फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि आप प्रॉब्लम आ रहा है। तो सेम यहाँ पर चलिए मैं अपने अकाउंट नंबर को मैं एंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद आपको सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना। वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, यहाँ पर कंसेंट को यस कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका राइट है यहाँ पर अकाउंट नंबर। सिंपली आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो भी दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म आएगा आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करा जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर अपना क्लिक करता हूँ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा वेरीफाई किया जाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो भी ज्वाइनिंग डेट है और इसका जो भी लिविंग डेट है 1/9/2022 और दोस्तों 30/9/2022 यानी कि एक ही मंथ में कंप्लीट हो चुका है। आई वॉन्ट फॉर्म अप्लाई पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर चूज क्लेम ऑप्शन पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ एक बार फॉर्म यहाँ पर फिल करके। जैसे आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पेंशन विड्रॉल फ्रॉम टेंसी, तो हम यहीं पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि लेस देन यानी कि जो भी आपकी सर्विस है 1 मंथ से कम है, यानी कि सर्विस लेस देन 1 मंथ, तो जो भी आपकी सर्विस है 1 मंथ से कम है तो इसलिए यहाँ पर आप फॉर्म टेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी सर्विस है कम से कम यहाँ पर 1 मंथ से अधिक होना चाहिए, जो भी इसका न्यू रूल आया है। आपकी सर्विस 6 महीने से कम है तब यहाँ पर आप फॉर्म टेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर इनका सर्विस 1 ही मंथ हुआ है तो यहाँ पर फॉर्म टेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते इस वाली मेंबर आईडी से। तो हम यहाँ पर पासबुक ओपन करते हैं। पासबुक ओपन करने का जो भी इनका यूएन नंबर है यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने का पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करता हूँ और सिंपली यहाँ पर ये इंटर करने के बाद जो भी इनका यहाँ पर मैं पासबुक को लॉगिन कर लेता हूँ। ये पोस्ट करने के लिए चलिए मैं अपने पासबुक को लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर साइन पर क्लिक करते हैं, इनका रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर ओटीपी इंटर करने के बाद आपको सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो इनका जो भी पासबुक है यहाँ पर लोडिंग होगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका पासबुक है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो इनका पासबुक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 2 इनकी मेंबर आईडी नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर मेंबर आईडी और यहाँ पर दूसरी मेंबर आईडी। टोटल इनका जो बैलेंस है यानी कि जो भी इनका पीएफ का बैलेंस है यहाँ पर 0 दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पीएफ का पूरा पैसा निकाल चुका है बट यहाँ पर इन्होंने अपना पेंशन का पैसा नहीं विड्रॉल किया है। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर आप जैसे इनका पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसका पासबुक में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे पासबुक पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टोटल इनकी जो सर्विस है यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इनका यहाँ पर सर्विस हो जाएगा और यहाँ पर विड्रॉल यहाँ पर जो करंट जो भी बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते कितना यहाँ पर बैलेंस विड्रॉल है और टोटली जो भी यहाँ पर इनका बैलेंस विड्रॉल है यहाँ पर 3361 रुपये यहाँ पर टोटली विड्रॉल हो चुका है जो भी इनका जो पीएफ का पैसा है। उसका दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर इनका पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो है, कितने महीने आपने काम किए, कितने साल आपने काम किए यहाँ पर शो हो जाएगा। टोटल यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी इनका एम्प्लॉयर शेयर है यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर दोनों यहाँ पर विड्रॉल हो चुका है, बट यहाँ पे जो भी जैसे कि यहाँ पर इम्प्लॉय शेयर और यहाँ पर इसका इम्प्लॉयर शेयर टोटल यहाँ पर विड्रॉल हो चुका है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्रॉल का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऊपर आप देख सकते हैं, बट इनका जो भी करंट वाली जो भी मेंबर आईडी का यहाँ पर पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनका सर्विस यानी कि 1 ही मंथ की हुई है, इसलिए यहाँ पे इनका जो भी यहाँ पर पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कट करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं दूसरे यानी कि पिछले मेंबर आईडी को मैं आपको दिखाता हूँ, इनका जो भी पिछले मेंबर आईडी है उनका कितना यहाँ पर टूटे, तो हम थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो भी यहाँ पर टोटली पिछले मेंबर आईडी का यहाँ पर पेंशन का पैसा यानी कि 4047 रुपये जो कि यहाँ पर टोटली ये दो भी यहाँ पर पीएफ का बैलेंस है यहाँ पर ये विड्रॉल हो चुका है दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनका यहाँ पर पीएफ का पैसा विड्रॉल हो चुका है बट यहाँ पर इनका पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो भी यहाँ पर पिछली का है यानी कि पिछली मेंबर आईडी का है और यहाँ पर देख सकते 7600 और जैसे करंट वाली जो मेंबर आईडी यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर पीएफ बैलेंस है। तो ये दोनों यहाँ पर विड्रॉल हो चुका बट यहाँ पर करंट में यहाँ पर 0 दिखा रही है, इनका यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं है बट इनका पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप जैसे आप नीचे स्क्रॉल भी करेंगे तो यहाँ पर इनका पूरा हिस्ट्री भी शो हो जाएगा। तो जैसे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे वो मेंबर आईडी को लेकर के, तो यहाँ पर टोटली जो भी इनका जो भी पेंशन का पैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी विड्रॉल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पेंशन का पैसा विड्रॉल किया बट यहाँ पर पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसे आप फॉर्म टेंसी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये पैसा नहीं निकलता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो भी मेंबर आईडी नंबर है जो करंट वाली जो कंपनी का मेंबर आईडी नंबर यहाँ पर शो है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 1 सितंबर को ज्वाइनिंग है और यहाँ पर 30 सितंबर की इसका डेट ऑफ एग्जिट है। यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहूंगा जो भी इनका करंट वाली जो भी मेंबर आईडी है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो भी यहाँ पर जो भी टोटल बैलेंस भी आप देख सकते हैं और एंड यहाँ पर पेंशन का भी बैलेंस देख सकते हैं।
जो कि 1774 रुपये, जो कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक मंथ अपनी सर्विस करी है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो भी करंट वाली जो भी मेंबर आईडी नंबर है यहाँ पर वही शो रहा है, इसलिए यहाँ पर इनका जो पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं हुआ है। और जैसे दोस्तों यहाँ पर यदि आपका पिछली वाली मेंबर आईडी नंबर शो होता है तो यहाँ पर आपका पेंशन का पैसा विड्रॉल हो जाता। अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि इनका जो फॉर्म 10 से बार बार क्यों रिजेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अपना जो भी ट्रांसफर डिटेल्स यहाँ पर मैंने अपना जो भी ट्रांसफर किया है यहाँ पर प्रीवियस कंपनी को यहाँ पर प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पर ये अभी पेंडिंग में है। तो ये सोच रहे हैं कि मैं अपना प्रीवियस अकाउंट को मैं अपने प्रेजेंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर मेरा पेंशन का पैसा विड्रॉल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। यदि आप अपना सर्विस ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो भी पीएफ का पैसा ट्रांसफर होगा, बट यहाँ पर आपका पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो यदि आप सोच रहे हो कि मैं फॉर्म 30 के वर्ष से मैं अपना पेंशन का पैसा विड्रॉल कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता। आप ऑनलाइन तरीके से आप पिछली कंपनी का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। आपको अपने नजदीकी जो भी यहाँ पर पीएफ सेंटर है वहाँ पर जाकर ऑफलाइन से आपको फॉर्म 10 से आपको भरना पड़ेगा, तब दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आपकी पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा विड्रॉल हो सकता है। बट यहाँ पर ऑनलाइन तरीका कोई नहीं, आप अपनी पुरानी कंपनी का पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि दोस्तों यहाँ पर करंट में जो भी आपकी मेंबर आईडी नंबर है वही यहाँ पर शो होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर आप अपना सर्विस ट्रांसफर करते हो तो सिर्फ यहाँ पर आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। यदि आपको इसे संबंधित जो भी करो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से अपने पुरानी कंपनी का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको अगली वाली वीडियो में या फिर आपको नीचे कमेंट में रिप्लाई देकर आपको समझने की जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल तो आपको इस वाली वीडियो में बस यही एक छोटी जानकारी देने वाला, तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। नई के कृपया क्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि उसको इसी प्रकार के सभी वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे वंदे मातरम।